नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि फसल के लिए कैसा देखने को मिल पाएगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं कृषि फसलों में कैसा सीड से। तो कैसा सीड का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि इस वक्त 6208 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6248 का हाई लगा चुका है। आधे फीसदी की तेजी कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड सुबह के में 6200 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, शाम में भी 6200 पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6248 का ही हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि कैसे सीड की कीमतों में निचले स्तरों से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आ रही है हफ्ते की क्लोजिंग होते होते। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी कैसे सीड के लिए तेजी वाला रहेगा या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन एक सीमित दायरे में कारोबार वहाँ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कैसे सीड के बारे में देख रहे हैं कि कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं मजबूत हैं, कैसे सीड की जो सोइंग है कम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम ही रहने वाला है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है जो निर्यात मांग है वो ठीक ठाक है, जिसकी वजह से कैसे सीड की कीमतों में आगे तेज़ी ही देखने को मिल पाएगी। अभी हाल फिलहाल में कैसे सीड की कीमतों में हमने एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी बनती हुई देखी थी, जिसकी वजह से कैसे की जो कीमतें हैं नीचे 6000 के घरों में भी कारोबार करती हुई नजर आई थी। बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वादा देख रहे हैं कि 5240 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। चने में देख रहे हैं कि अभी भी 5200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। दरअसल चने की में अभी त्योहारी सीजन होने के बावजूद एक डिमांड देखने को नहीं मिल पा रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, चने की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से कीमतें इतना उछाल लगाती हुई नज़र नहीं आ पा रही हैं, कुछ डिमांड भी कम है। दूसरा कि सरकार ने जब से दलहन आयात और दलहन आयात के साथ साथ दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला लिया है, तब से ही दलहन बाज़ार पर एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आया था। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अब मौसम की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ती हुई नज़र आई थी, मानसून फिर से एक्टिव होता हुआ नज़र आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती हुई नज़र आई। और जानकार बता रहे हैं कि जो अगली बुआई होगी पल्सेस की दालों की वो अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने थे और दलहन बाज़ार पर एक दबाव बनता हुआ नज़र आया था। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वादा देख रहे हैं कि 2519 पर कारोबार करता नज़र आ रहा है, 2548 का ही लग चुका है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में अभी भी एक बिनौला खल का दिसंबर वादा अभी भी 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और बिनौला खल की कीमतों में एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएमसी के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे कैसर का आउटलुक जानना चाहूँगा। देख रहे हैं कि कैसर आज सुबह में भी 6200 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था और शाम में भी 6200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रविंद्र जी, जैसे हमने देखा है कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन क्लोजिंग होते होते जो कैसर सीड है 6200 के ऊपर सस्टेन हो गया है, तो आपको क्या लगता है क्या आने वाला अगला कारोबारी सप्ताह कैसे सीड के लिए और भी तेजी वाला साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए, कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में अभी फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रीवियस सेशन से ज्यादा बढ़ के आए हैं इस बार, और अप्रैल अगस्त के जो पीरियड के एक्सपोर्ट्स हैं वो 3 लाख टन के अराउंड है, जो कि लास्ट ईयर 2.9 लाख टन के अराउंड था। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण और दूसरा मानसून रेंज जो थी वो रिवाइवल होने के कारण कैस्टर के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी इमीडिएट बेसिस पे कैस्टर प्राइसेस जो हैं ये ऑलरेडी हायर हाइज के साथ मूव कर रहे हैं और टेक्निकली भी देखें तो टेक्निकली भी ये कमोडिटी अपर साइड में लग रही है। सपोर्ट रहेगा इसके लिए 6050 रुपये का, और वहीं अपसाइड में इसको अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर कोई क्लाइंट होल्ड करता है तो चांसेस हैं कि ये 63 से 6400 तक अपसाइड दिखा सकते हैं। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से निर्यात मांग देखने को मिल रही है कैसे सीड की, तो उस हिसाब से कैसे में अभी तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। रविंद्र जी, यहाँ से बात करें चने की, तो चने में आपको क्या लगता है जिस हिसाब से देख रहे हैं कि चना काफ़ी समय से 5200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो नेक्स्ट वीक चने के लिए कैसा देखने को मिल पाएगा?
देखिए चना प्राइसेस फर्दर अपसाइड में ही मूव करने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो सपोर्टिव होते जाएंगे जैसे जैसे दिवाली का टाइम पास आता जाएगा जी। तो अभी फॉर द टाइमिंग नेक्स्ट 1 to 2 weeks में इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन हायर साइड में 5500 तक के लेवल इसमें पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल जाएंगे जी। तो यानी कि दिवाली पास आते आते चने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है, 5500 तक के लेवल्स चने की कीमतों में अभी भी देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने पहले ही बता दिया था कि एक बढ़त बनती भी नज़र आ सकती है, वो हम आज देख भी रहे हैं कि आज भी 2500 के ऊपर सस्टेन होकर बिनौला खल चल रहा है। रविंद्र जी आपको क्या लगता है कि आने वाले कारोबारी सप्ताह में बिनौला खल 2600-2700 का भी लेवल टच करता हुआ नज़र आ पाएगा? जी बिल्कुल, कोको दिसंबर की बात करें तो हायर साइड में अगर 2550 के ऊपर ये कमोडिटी होल्ड करती है तो 2680 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और उसी के आसपास जाके कमोडिटी रुक सकती है। अभी यहाँ से भी बाइंग करने के अच्छे अवसर हैं और डाउन साइड में सपोर्ट इसका जो है वो 2350 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि हायर साइड में अगर पोजिशनल बेसिस पे जाएंगे तो 2700 से 2800 तक ये कमोडिटी अपसाइड मूव कर सकती है जी। रविंद्र जी बात करें यहाँ से अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि एक निचले स्तर से खरीदारी आज देखने को मिली है, मसाला कॉम्प्लेक्स हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले कारोबारी सप्ताह में मसालों में नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए मसाला पैक की बात करें तो मसाला पैक में हमने पहले भी जब बात करी थी तो ये बोला था कि जीरा और धनिया जो है ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसी तरीके से इस कमोडिटी में मूव भी आया है। जीरा में अभी फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है, 14700 तक के अपसाइड इसमें अभी हो सकती है, और वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी 7850 से लेके 7900 तक के लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक यहाँ पे अपसाइड ज़रूर है लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अपसाइड अगर करेक्शन आती है अपसाइड के लेके तो 7300 तक के लेवल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी डाउनसाइड टर्मरिक में और देखने को मिल सकती है क्योंकि इसकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हो रही है और चांसेस यही हैं कि जब अराइवल्स होंगे तो प्राइसेस जो है वो प्रेशराइज रहेंगे जी। रविंद्र जी यहाँ से नज़र डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 9800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है शाम में भी। पहले दिन इससे पहले यानी कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ग्वार गम 9600 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, आज देख रहे हैं कि 10,000 के छूने से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी पर है। वहीं पे ग्वार सीड में भी एक तेजी बनती हुई नजर आई है, 5900 के ऊपर कारोबार कर रही है, 6004 का हाई लगा चुका है। तो रविंद्र जी अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आज वीकली क्लोजिंग होते होते ग्वार की कीमतों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या ये जो तेजी है आगे भी अगले हफ्ते एक्सटेंड हो पाएगी? देखिए ग्वार गम की बात करें तो हमने पहले भी बोला था कि 10200 से 10500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम में। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 6100 से 6200 तक के अपसाइड इसमें देखने को मिल सकते हैं और प्राइसेस उसी तरीके से मूव कर रहे हैं। वीकली क्लोज अगर ग्वार सीड का 6000 के आसपास होता है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रैली जो है ये और ज़्यादा तेज रहेगी और 6300 तक एक्सटेंड कर सकती है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 5800 का इस पर लॉन्ग टर्म का अच्छा सपोर्ट है। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी ऑलरेडी प्राइसेस अपसाइड मूव कर चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की तेजी के साथ ये चल रही है कमोडिटी। 9300 का इमीडिएट सपोर्ट है इस पे, वहीं अपसाइड में 10500 तक के रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिल सकते हैं जी। रविंद्र जी इनसे बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन खाद्य तेलों का वायदा बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबारी सप्ताह लाल निशान से हरे निशान में जाता हुआ नजर आ पाएगा और कीमतों में एक नई ऊंचाई देखने को मिल पाएगी? देखिए ऑयल सीड पैक की बात करें तो ऑयल सीड पैक में करेक्शन जो है ये बढ़ती जा रही है और अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो सोयाबीन जो है ये फर्दर नेगेटिव बायस के साथ ही मूव कर सकती है और डाउन साइड में 5600 से 5700 तक स्लिप कर सकती है। अपर साइड में इसका जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट जो है वो 6150 के आसपास है। वहीं सोया रिफाइन में भी इसी के साथ ही अगर सोयाबीन में नरमी देखने को मिलेगी तो सोया रिफाइन में भी नरमी देखने को मिलेगी, जो कि
लेवल हैं 1270 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है क्योंकि करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट होती कंप्लीट होती हुई दिख रही है और 85-30 और 85-50 के आसपास फ्रेश पोजीशंस इसमें बाय करके चल सकते हैं अगेन। जी रविंद्र जी, इससे पहले जब हमने सोयाबीन की कीमतों में तेजी आती हुई देखी थी तब पिछले साल ये भी खबरें थी कि जो पाइपलाइन है वो खाली है और अभी भी देख रहे हैं कि पाइपलाइन अभी भी खाली ही देखने को मिल रही है सोयाबीन की, तो आपको क्यों नहीं लगता कि अगर सोयाबीन की अराइवल्स ज़्यादा होती भी हैं तो जो स्टॉक है मिलरों के पास और ट्रेडर्स के पास वो इतना नहीं है और है भी है तो काफ़ी कम मात्रा में या फिर खप चुका है, तो आपको लगता है कि उस दौरान अराइवल्स होने के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में उछाल आएगा? देखिए वो सोयाबीन प्राइसेस की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रही हैं, अगर अराइवल्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइसेस को प्रेशराइज ही होगा क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में नो डाउट, लेकिन साथ साथ में हम अगर देखें तो प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी हाई पे हैं तो वो फैक्टर जो है वो प्राइस इन हो जाएगा और उसी वजह से हम देखेंगे कि अगर अराइवल्स ज़्यादा होते हैं तो कमोडिटी पे प्रेशराइज प्रेशर करेगा वो प्राइसेस पे और प्राइसेस जो हैं वो उसी तरीके से मूव करेंगे और डाउन साइड में 5600 से 5500 के आसपास जाके रुक जाएंगे और अगर अराइवल्स कम होते हैं तो चांसेस हैं कि ये कमोडिटी अपसाइड बाउंस ले सकती है और 63 से 6500 तक की रेंज तय कर सकती है अपसाइड में। जी रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन वो कौन सी कृषि फसलें होंगी, वो कौन से एग्री कमोडिटीज़ के टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और अगले सप्ताह भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? कि यहाँ से कैस्टर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, कैस्टर को बाय करके चल सकते हैं, 6100 का रहेगा इस पर स्टॉप लॉस और अपसाइड में 6350 और 6400 के टारगेट्स के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि आप कैसे शेयर के अंदर खरीदारी की रणनीति अपना कर चल सकते हैं, कैसे शेयर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बाइंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए वायदा बाजार के अंदर खरीदारी करके चलने के लिए, तो रविंदर जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर कैसे शेयर के अंदर खरीदारी की रणनीति अपना कर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, नमस्कार।